बारह तेरह रेट करो ना फिर चौदह चौदह का पॉइंट ना। आनंद फौजी जी अपना काम सफल होता रहेगा ना, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय धौला शर्मा जी निजामपुर माजरा से इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सर अपना मान सम्मान लेकर जाएं आप। हाँ तोमर पहलवान लाइन में आ जाइए सड़क की साइड, बाबू अकबरपुर की टीम हमारी सड़क की साइड है और कॉलेज की तरफ टीम है टीम मोखरा जिला रोहतक। हाँ जी भाई गल्लू ठेकेदार है भाई देवेंद्र ठेकेदार, आज जो इन पांच ऑफिसियलों ने खेल मैदान में काम किया ना हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसा काम किया, लगातार एक मैच में भी पांचों ऑफिशियल का रेस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पांचों के पांचों बहुत बधाई के पात्र हमारे। हाँ सफल कैच और भाई 11 नवंबर को एनआईटी फरीदाबाद में भाई अनिल दहिया और काला पहलवान के द्वारा बहुत बड़ा सर्कल कबड्डी का टूर्नामेंट होने जा रहा है, सारी टीमें जरूर पहुंचिए, लाइव जुड़े हुए हैं जीतू पहलवान और काला रेड्डू, खेल समिति को शुभ संदेश दे रहे हैं, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट आपने कराया। बिल्कुल प्रतिवर्ष बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है हमारे अनिल दहिया पवन दहिया जीतू काला ऋतिक बलारा की एक मिनट लोचब है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है जिसके अंदर चार चार इनाम है, चाहे मोटरसाइकिलों की बात है सेखू प्योंत और शक्तिमान के मैच की बात है, लड़कियों के मैच की बात है और बेस्ट रेडर कैचर के लिए मोटरसाइकिल है। हाँ दर्शन पहलवान जो बहुत जिन्होंने रिंकू खरेंटी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को तैयार किया उनको भी 1100 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जा रहा है हमारी खेल समिति जुलाना के द्वारा। 11 तारीख को नवंबर को एनआईटी दशहरा ग्राउंड में आप पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, बिल्कुल प्रतिवर्ष बहुत बड़ा लाखों कई लाखों का जो टूर्नामेंट होता है। भाई अनिल दहिया पवन दहिया भाई जीतू काला ठेकेदार सारे भाई बधाई के पात्र हैं और ये पंकज बेरी को मिर्जापुरी प्रवीण की ट्राई, मिर्जापुरी प्रवीण पंकज बेरी को चेक करता हुआ कैच की कोशिश, कैच की ट्राई, बेरी वाला पंकज एक तगड़ा नंबर अपनी टीम के खाते में जोड़ गया। अब रेड पर रोहित मोखरा जिला रोहतक के मोखरा गांव का बेटा है और दर्शन पहलवान को दर्शन कोच को जिन्होंने रिंकू खरेटी जैसा सुपरस्टार हरियाणा प्रदेश के कबड्डी जगत को तैयार करके दिया खेल समिति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद करते हैं गल्लू पहलवान देवेंद्र ठेकेदार और भी सारे साथियों का, ये पॉइंट रेट का अंक मिला टीम मोखरा को। अगली दोनों टीमें पहुंच जाए बिना किसी देरी के सेकंड सेमीफाइनल के लिए। यहाँ नवदीप मोखरा की ट्राई है सैंडी बलारा को, सैंडी बलारा को नवदीप मोखरा चेक करता हुआ लेकिन अंक मिला रेडर को। हम रेड पर दो खिलाड़ी की छूट में, हाँ देखिए हाजी माफी चाहूंगा मैं, हमारे बीच में हमारे युवा साथी हैं ठेकेदार बंधु हैं जसवीर चेयरमैन जी, बिंदर ठेकेदार जी, बंटी ठेकेदार, गौतम ठेकेदार, प्रदीप ठेकेदार, यकीन ठेकेदार, मातू ठेकेदार, राजेश ठेकेदार, जोगिंदर पहलवान, डॉक्टर योगेश नंदल जी, आरोग्य हॉस्पिटल रोहतक हमारे बीच में मंचासीन है, पुनः स्वागत करते हैं। चलिए भैया हाँ जी अब रेड पर ऋतिक बलारा पर रेड पॉइंट 100 होंगे गल्लू पहलवान की तरफ से, गल्लू लठर की तरफ से, यहाँ कॉर्नर के द्वारा ट्राई नवदीप मोखरा लेकिन ऋतिक बहु अकबर पूरे अंक लड़ने में सफल रहा। सेकंड सेमी के लिए मालवी की टीम और मोहित फरमाना, यही है नीरज मोहित फरमाना और मालवी दोनों टीमें जल्दी पहुंच जाए भाई। अब रेड पर ताकत का बेजोड़ खजाना रोहित मोखरा, या राकेश की ट्राई थी लेकिन अंक मिला रेडर को, बिल्कुल बड़ी अच्छी स्टॉप लाइन है राकेश की बात है। अशोक मलिक सी का दो की छूट का खिलाड़ी, बाबू अकबरपुरिया मनीष सिल्लू बलारा का छोटा सगा भाई
आप रेड पे पंकज बेरी जिला झज्जर के बेरी गांव का बेटा पंकज बेरी चला रेड पे पंकज का ध्यान है इस सीजन का बिल्कुल बड़ा जाना माना रेड है यहाँ उल्टी कैची की ट्राई थी लेकिन अंक लेने में पंकज बेरी सफल रहा। मेरा अनुरोध है फरमाना मोहित और मालवी की टीम दोनों टीम में जल्दी पहुंच जाए फरमाना मोहित और मालवी सेकंड सेमीफाइनल आप रेड पे गोरखपुरिया पठान जिला फतियाबाद के गोरखपुर गांव का बेटा बिल्कुल यह मनीष की ट्राई थी लेकिन गोरखपुरिया पठान अंक लेने में सफल रहा अंक मिला टीम मोखरा जिला रोहतक को दोनों बड़े टॉप की टीम में है। मोखरा की बात करना चाहेंगे दो की छूट में मिर्जापुरिया प्रवीण और गोरखपुरिया पठान में दाव खेला है यहाँ बिल्कुल डबल टच है सिल्ला डीपी बनभोरी जिला हिसार पहले दो नंबर को टच कर दिया पीछे से प्रवीण ने अटैक कर दिया जिसका बेनिफिट मिला संदीप बलारा को सैंडी बलारा को डबल टच हुआ क्रेडर के खाते में टीम बहु अकबरपुर जिला रोहतक के खाते में। अब रेड पर रोहित मोखरा बिल्कुल रोहित मलिक गांव मोखरा जिला रोहतक यहाँ अशोक मलिक को टच करके रोहित मोखरा एक तगड़ा नंबर जोड़ गया। अब रेड पर पंकज बेरी सेकंड सेमीफाइनल के लिए मेरा अनुरोध है फरमाना मोहित और मालवी मानते हैं आपने तगड़ा मैच खेला है लेकिन खेल समिति का फैसला है लास्ट हमने बिल्कुल है अभी तो सेकंड सेमी भी होना फिर फाइनल में भी आप टाइम लोगे। नवदीप मोखरा की ट्राई नवदीप मोखरा पंकज बेरी नवदीप मोखरा पंकज बेरी और पंकज बेरी हाँ खुले हाथ का प्रयोग नहीं भाई प्यार से बिल्कुल प्यार से खेलिए। अब रेड पे गोरखपुरिया पठान बहुत बढ़िया मैच है ऑफिसल की तारीफ करनी पड़ती है बिल्कुल लगातार बिना किसी रेस्ट के बिल्कुल परी क्वार्टर पहले से लेकर दो एक्स्ट्रा मैच 18 मैचों से बिल्कुल खड़े हुए धन्यवाद करते हैं। ये पॉइंट कैच का है विनोद जी खतरी खरक जाटान बिल्कुल मैं हूं दोस्तों जयलाठर दोस्तों खेल कबड्डी लाइव के केल के पास है ना जितने भी खेल होंगे हैं भाई कबड्डी के होंगे हो नेशनल स्टाइल कबड्डी के होंगे हो कुश्ती के होंगे हो उनमें जो जो भी चीज़ यूज हुए हैं जैसे कि लाइट हो गया साउंड हो गया स्टेज होगी जाल हो गया यानी और उटर हो गया और लाइव टेलीकास्ट होगा सब कुछ है केकेएल के पास केकेएल का सेटअप है ना और सभी से सस्ता पड़ेगा आप एक बार कॉन्टेक्ट करके जरूर देखना। और दोस्तों कोई भी पूरा सेटअप अगर बुक करेगा ना तो लाइव ना तो बिल्कुल ये मानो आप 1000 रुपये में लाइव दे देंगे 1000 रुपये में लाइव पूरे सेटअप के साथ है। और दोस्तों खेला में जो यूज होगा है मेनली क्या होगा ट्रॉफी होगी मोमेंटो होगी 6-6 फुटे कप हो गए 3-3 फुटे कप हो गए किसी भी प्रकार की ट्रॉफी है ना केकेएल की फैक्ट्री लाग रही है ट्रॉफी बनाने की किसी भी प्रकार की आप ट्रॉफी लो होलसेल का रेट में कमेटी लग दूर पहुंच मिलेगी जहां भी कमेटी के खेल है जिस भी गांव में खेल है उड़ा ट्रॉफी आपका द्वारा दूर पहुंचेंगे आपने कहा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों एक आदमी द्वारा कॉन्टेक्ट करो केकेएल द्वारा केकेएल पूरी टूर्नामेंट का सब कुछ देगा अपने लाइट साउंड सटे जाल उटर और ट्रॉफी सब कुछ जय कबड्डी जय हरियाणा दोनों टीमों को जो दूसरा सेमी होगा दोनों को लाइन अप कर लेंगे आप। हाँ अब रेड पर ऋतिक बलारा गांव बहु अकबरपुर जिला रोहतक दोस्तों सामने मिर्जापुरिया प्रवीण ने लांडी जीव जीती है सुपरस्टार ने बल्ले बल्ले कराई है लेकिन यहाँ ऋतिक बहु अकबरपुर एक तगड़ा पॉइंट अपनी टीम के खाते में जुड़ गया। आप रेड पे जिला रोहतक के बिल्कुल मोखरा गांव का सुपरस्टार रेड रहे सीजन में इस खिलाड़ी ने बड़ा प्रभावित किया बड़ा मन लुभाया दर्शक साथियों को अपने गेम से यहाँ ट्राई अशोक मलिक लेकिन रोहित मलिक मलिक भाई की टक्कर मलिक के साथ अंक लेने में सफल रहा। आप रेड पे पंकज का ध्यान गाँव बेरी है जिला झज्जर है दोस्तों सुपरस्टार खिलाड़ी फरमाना मोहित और मालवी तुरंत आइए भाई और देखिए हमारे बीच में पवन कुमार लाठर करसोड़ा से हमारे वार्ड नंबर 18 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी वो भी चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा खेल समिति उनके स्वागत की तैयारी करें बिल्कुल चंद ही मिनटों में पवन कुमार पोन्ना भाई जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 गाँव करसोड़ा आम रेड पर गोरखपुरिया पठान बिल्कुल पठान गोरखपुर सामने मनीष बलारा
लेकिन पठान अंक लेने में सफल रहा। हाफ रेड पर संदीप और सैंडी बिल्कुल जितना छोटा कद है उससे ज्यादा गजब की रेड लगाता है। संदीप और सैंडी बुलारा चलिया रेड पे, यह मुकाबला मिर्जापुर या प्रवीण के साथ है, लेकिन सैंडी बुलारा बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं है। अंक मिला रेडर को। आम रेड पर रोहित मोखरा, मनीष की कैच किधर करा रहे, अशोक मलिक तैयार है, बाली तैयार है और राकेश बुलारा बिल्कुल बड़ी जानी मानी स्टॉप लाइन है बहु अकबरपुर गांव की। यहां अशोक मलिक की लगातार कोशिशों पर कोशिश, लेकिन रोहित मलिक हंसता हुआ अपनी टीम के खाते में पॉइंट जुड़ गया। हाँ टाइम आउट बाय मोखरा। हाँ क्या स्कोर हो गया नीरज जी अब तक का? हाँ वो पॉइंट होल्ड है 13-9। 13 किसके? 13 अंक है टीम बहुपुर के और 9 मोखरा के। रेड करो अभी टाइम आउट चल रहा है। कोच विनोद जी आप ही उधर चलिए, विनोद जी खत्री दौड़ के चलिए, पंकज बेरी बिल्कुल उधर ऑफिशियल कौन है? हाँ विनोद जी खत्री है जी, रमेश जी धनाना पीछे लाइनमैन है, इस साइड मेरे इस साइड में भी विनोद जी खत्री है। हाँ अब हो गए 14। रेड करो पठान गोरखपुर, जिला फतियाबाद के गोरखपुर गांव का बेटा पठान गोरखपुर चला रेड पे बिल्कुल सामने। 400 पर तैयार है, एक कदम से दूर है टीम बहु अकबरपुर जीतने की कगार पे बिल्कुल। हाँ टेक्निकल पॉइंट लाइन कट हुई। कुमार चैन टूटी। पुना जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 हमारे बीच में पहुंच चुके हैं भाई पवन कुमार का स्वागत अभिनंदन अभिवादन है। हमारे बीच में पहुंचे भाई का बिल्कुल है, आइए बिल्कुल है। हमारे बीच में पवन कुमार पोन्ना जिला परिषद प्रत्याशी ऋतिक वार्ड नंबर 18 आइए बिल्कुल आपका स्वागत है अभिनंदन अभिवादन है। जो हमारे बीच में एक मिनट रुको भाई, जो ऑफिसल ने पॉइंट दिया था रिव्यू में वही पाया गया। ऑफिसल ने कैच का दिया था, किसका दिया था कोच साहब आपने? कैच का दिया था। आठ वो पॉइंट लगाओ टीम बहु अकबरपुर का, ठीक है। 14-11 अब तक का स्कोर। रेड करो बिल्कुल है। मंच पर मंचासीन पवन कुमार पुन्ना लाठर जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 आपका स्वागत अभिनंदन अभिवादन है। रुपए की धनराशि से सम्मानित कर रहे हैं। जय भगवान काला लेजवाना जहां कहीं है मंच पर आ जाए। अमित पठान दूसरी रेड, मतलब जो लेने आया था उसको दोबारा चेक कर राकेश कराई गई। थोड़ा सा करिए सहायता राकेश, कोई दिक्कत नहीं जी। या अमित को स्कोर मिला है, नोट कर लीजिए नीरज मलिक जी अब रेड पे आएगा। नहीं वो तो पूछूंगा मैं कितना स्कोर है भाई। हाँ देखिए 12-13 रुक जाओ ना जी, मैच तो उलझा पड़ा है। हाँ जी 12-13 रेड करो ना पहले, 14-14 का पॉइंट है ना, अभी तो 3 रेड बाकी रह रही हैं। 12 किसके है जी? 12 है मोखरे के, 13 हैं बहू के। आ अटका गया आपकी, फिर चलो रेड तो 3 बाकी रह रही हैं टोटल है। ठीक दीप साहब तैनात हो जाओ, रेड रह गया। चलो भाई सेट लाओ, 5-5 लाइफ लाइन हर टीम के लिए, 14-14 का स्कोर बराबर है। ये सारे न्यू खेच रहे जी, आधा का पॉइंट का रोला होता तो यू भी आखिरी रेड पर खत्म हो जाता, लेकिन आधा नहीं रखा तो फिर मैच आएगा। पंकज बेरी पहली लाइफ लाइन के साथ मोखरा के पाले में और यहाँ फाइट हो चुकी है। अब देखते हैं पॉइंट किसको मिलेगा। ये तो लगभग मैं जहां तक समझता हूं पॉइंट वो रेफरी का काम है, मिल चुका। 15 बहु अकबरपुर, 14 मोखरा, रोहित मलिक फिर रेड पर पहली लाइफ लाइन के साथ, पहली रेड के साथ। इसमें एक रेडर 3 रेड ले सकता है, दूसरा रेडर 2 रेड ले सकता है, या फिर आप अलग अलग भी रेड करवा सकते एज यू लाइक, आपकी इच्छा है। मनीष बलारा लेकिन नहीं, ट्राई तो बार बार चलेगी। आप सभी समझते सिलो बलारा का सगा छोटा भाई है। अब आएगा सैंडी बलारा, 15-15
15-15 का स्कोर चलावा दोस्तों। क्या बढ़िया मैच लगा, दोनों जिला रोहतक की टीम। आओ यह है खेल का नजारा। नवनीत ने अपना काम कर दिया और मोखरा की टीम इस मैच में पहली बार एक पॉइंट से आगे आई है, पहली बार एक पॉइंट से आगे आई है। अब तक पीछे चली हुई थी गोर या फिर बराबरी पर आई। पठान गोरखपुर दलाल साहब जी, पठान गोरखपुर बहुत ही स्पीडी खिलाड़ी, जिला फतेहाबाद। और यह तीन कैचर बाबकपुर के, चौथा कैचर अशोक मलिक गांव से, 16 से बढ़ के 17-15 ठीक है मलिक साहब, 17-15 मोखरा के पक्ष में। तीसरी रेड बाबू अकबरपुर की तरफ से, तीसरी रेड, 5-5 रेड मिलेगी। तोड़ नहीं होया तो फिर गोल्डन रेड दी जाएगी दोस्तों। गोल्डन रेड पे मैच आ सकता, लेकिन उसके लिए बाबू अकबरपुर की टीम को कम से कम एक कैच लगानी होगी। नवनीत के द्वारा ट्राई, दो अच्छे खिलाड़ी आपस में टकराए और अभी तक फाइट जारी है, लेकिन यह पॉइंट मिल चुका है पंकज बेरी को। तीसरी रेड रोहित मलिक, 5 रेड हो चुकी है, 5 बाकी हैं इसको मिला के। ये छठी रेड है मैच की और तीसरी रेड है मोखरा की तरफ से। रोहित मलिक अशोक मलिक को टच किया, अशोक मलिक को टच किया। 18-16 नीरज भाई, 18-16 चलेगा ऋतिक बलारा चौथी रेड के साथ, चौथी रेड के साथ ऋतिक बलारा। प्रवीण मिर्जापुरिया ने कुछ करना होगा, अगर एक और कैच लगी तो मोखरा की छोटी हो जाएगी, अगर कैच नहीं लगी तो शंका जारी रहेगी। चौथी रेड पठान की तरफ से, चौथी रेड, इसके बाद 4-4 रेड कंप्लीट और जो स्कोर होगा वो आपके सामने ही होगा। अब देखते हैं किसका फायदा और नुकसान की बात होगी। आउट, आउट, एक कैच का अंतर चला हुआ है। 5वीं रेड बाबू अकबरपुर की तरफ से, यहां पर कैच लगी तो मैच समाप्त हो जाएगा, अगर रेड पॉइंट आया तो आखिरी रेड पर फिर कैच लगानी होगी, तभी मैच बराबर आ सकता है। अगर एक एक पॉइंट मिले तो दोनों टीमों को फिर भी मोखरा जीत जाएगा। उल्टी कैची, लेकिन नहीं, 4-5 का स्कोर है, 4-5 का स्कोर है, मतलब 18-19 है। या रेड पॉइंट आया तो मोखरा जीतेगा, कैच लगी तो मैच बराबर होगा दोस्तों, गोल्डन रेड पर जाएगा। हाँ, लेकिन अशोक मलिक को टच करके रोहित मलिक ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहला सेमी समाप्त। तीसरा इनाम कितना दलाल साहब? 11,000।